महंगाई व बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस ने नगर में पैदल मार्च निकाला तथा केंद्र व राज्य सरकार की आलोचना की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष लोकमणि पाठक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नुमाइश मैदान में गांधी मूर्ति के समक्ष एकत्र होकर महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने की मांग करते हुए नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। बाद में कार्यकर्ताओं ने नगर में पैदल मार्च निकाला। इस मौके पर AICC द्वारा नियुक्त जिला प्रभारी मुनेंद्र सिंह भदौरिया व सुमित्रा यादव सहित युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कवि जोशी, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष गीता रावल, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र टंगनिया सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेश के अनुसार पूरे भारत में कांग्रेस के द्वारा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं का उत्पीड़न, इन मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उसी के तहत आज हम लोगों ने पैदल मार्च किया है। मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की मुहिम हमने चलाई है और इस मोदी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। महिला, पुरुष, बाल बच्चे, रोजगार खत्म है, सभी लोग भुखमरी के कगार पे हैं और तिल तिल मौत के मुंह में जा रहे हैं। आज आप देख लीजिए पेट्रोलियम कीमतों में दाम कितनी बढ़ गई है, गैस के दाम कितने हो गए हैं, 950 रुपया गैस का दाम हो गया है। पेट्रोल की कीमत 105 रुपये से ऊपर जा चुका है। सरसों के तेल की कीमत 200 रुपये पार हो रही है। इस महंगाई के ज़माने में जहाँ रोजी रोटी बंद है, लोग पलायन करके काम छोड़ के अपने घर को लौट आए हैं, ये महंगाई का मारे ये कहाँ झेलेंगे। इसीलिए गरीब बुढ़वा की सरकार है कांग्रेस पार्टी को आप लड़ाइए और BJP को उखाड़ भराइए, इसी मुहिम के लिए हम लोग आए हैं। आज जो पदयात्रा हमने निकाली है और जिस हिसाब से हम लोग बाज़ार में घूमे हैं, बाज़ार में पब्लिक का इतना शानदार रिस्पॉन्स था कि आप अभी चुनाव करा लो, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उखड़ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी और कांग्रेस का झंडा इस उत्तराखंड में लहरा जाएगा। निजात का केवल एक ही उपाय है कि जनता की सरकार आ जाए, कांग्रेस की सरकार आ जाए, गरीब की सरकार आ जाए, शोषित की सरकार आ जाए, पीड़ित की सरकार आ जाए, हर उस वर्ग की सरकार आ जाए जो हिंदुस्तान का सच्चा नागरिक है, और हर गरीब की सरकार आ जाए, कांग्रेस की सरकार आ जाए, ये देश खुशहाल हो जाएगा, उत्तराखंड खुशहाल हो जाएगा। महंगाई, भ्रष्टाचार, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, जो मूलभूत समस्याएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सारी समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है। पद यात्रा के माध्यम से हम जनता के बीच पहुँचे हैं और इस सरकार को, निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का हमने आग्रह जनता से किया है। तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, महिला उत्पीड़न और जो हमारे प्रवासी है उनका उत्पीड़न, तमाम मुद्दे हैं। इसमें विकराल स्थिति में देश है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि हम लोग जनता के बीच जाकर तमाम मुद्दों को उठाएं और जनता को, समस्याओं को जन जन तक पहुंचाते हुए उनको सरकार को चेतावनी देने का काम करें। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे केंद्रीय नेतृत्व में हमारे यहाँ पर कोऑर्डिनेटर भेजे, कोऑर्डिनेटर जी हैं हमारे, राउत जी हैं, पहले उससे पहले मेहता जी आए थे। आपने एक ड्राफ्ट हमें बताया है कि किस तरह से हमने काम करना है, कैसे हम IT सेल से जुड़ें, मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़ें, कैसे हम पदयात्रा करें और कैसे हम लोग अपने जनता के मुसीबतों को, जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रखें और उनको ये चेतावनी दें कि आप जनता से मुंह मोड़ रहे हैं, ये सहन नहीं किया जाता, जनता इसको सहन नहीं करेगी। ये सब तमाम मुद्दे, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, तो सबको पता है ऐसी क्या स्थिति है। अब चुनाव जैसे ही नज़दीक आ रहे हैं, इनका अपना हिडन एजेंडा है वो चलने लग गया। पूरे देश में जो महंगाई की मार हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा लगाया था, सबको देखो बार बार, हमको देखो पहली बार, और बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भाजपा की सरकार, लेकिन आज वर्तमान में जनता के हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया गया है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है, 65 रुपये का डीजल आज 92 रुपये चले गया है और ऐसी पेट्रोल के हाल चल रहे हैं, 100 रुपया पार करने जा रहा है। और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो गरीब के चूल्हा जलाता है, देखिए आज कड़वा तेल हो गया, चीनी होगी, गेहूं हो गया, चावल हो गया, गुड़ हो गया, या कोई भी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आज कड़वा तेल 200 रुपया लीटर, हम उसको 60 रुपया लीटर छोड़ गए थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस देश में बैठी है, सिर्फ पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने का काम है इनका, गरीबों को बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि इस महंगाई पर तुरंत काबू पाया जाए और जो बढ़ती हुई महंगाई है इसमें नियंत्रण रखा जाए। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।